तो हम जहां आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो जा रहा है, हमारे बड़े भाई रामनाथ मौर्य जी, राम सूरत गौड़ जी, नजीर अहमद जी, आप लोगों के सहयोग से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ग्राम सभा के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लक्ष्मी पूजा के उपलक्ष्य में प्रस्तुत कर रहे हैं, एक सराहनीय और वंदनीय कार्यक्रम है जो बहुत दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग को पूरी टीम को मैं कोट कोट बधाई और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, ग्राम सभा की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपनी बात कुछ कहने से पहले जिस जमीन पे हम लोग निवास करते हैं उनका उद्घोष करना चाहते हैं, भारत माता की, भारत माता की, मैया लक्ष्मी की, मैया लक्ष्मी की, गणेश भगवान की, गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, धरती मैया की, ग्राम सभा बुढ़ाऊ साहू दिनपुर की। साथियों, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, नौजवानों में नई ऊर्जा, नौजवानों में नई क्रांति, नौजवानों में नई तरंग पैदा करने वाले हमारे छोटे भाई एकलव पांडे जी, जो जिला आजमगढ़, जिला लालगंज का प्रतिनिधित्व लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि कृषि मंत्री आदरणीय शाही जी का कार्यक्रम आने के वजह से हमारे जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी और हमारे नौजवानों के दिलेर साथी लालगंज जिला अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव जी आगमन नहीं हो पाया है, उनके रूप में एकलव पांडे जी यहाँ उपस्थित किए हैं। मैं एकलव पांडे जी निवेदन करता हूँ आप हाथ जोड़कर खड़े हो। साथियों, राजनेताओं की मजबूरी होती है, कोई एकाएक कार्यक्रम हो जाता है, आगमन नहीं हो पाता है, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप दोनों जिला बच्चों ने अपना प्रतिनिधि बनाकर एकलव पांडे जी को बुलाया, आयुषांग धरती भेजा है, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, यह नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम है, मैं बहुत उत्साह में चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हमारी माताएं बहने दिल थाम कर बैठे हैं, नौजवान साथियों हाथ पर लेकर बैठे हैं, और पिता कुल बुजुर्ग जो हैं धड़कन को रोक कर बैठे हैं, उसकी प्रस्तुतियां हैं, आप लोगों की धड़कनें रुक जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, जो नन्हे मुन्ने ग्राम सभा बुलाया आयुषांग कार्यक्रम है। सारे लोग साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए पुनः जो बाहर से आगंतुक साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी आए हों, पुनः ग्राम सभा बुलाया आयुषांग दिनपुर की धरती आप स्वागत अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूँ। बात करना चाहता हूँ, लगाकर फूलों की डाली, लगाकर फूलों की डाली, झुकाकर तोड़ मत लेना, बढ़ाकर प्यार का दामन, निगाहें मोड़ मत लेना, निगाहें मोड़ मत लेना। साथियों, लेकिन पांडे जी का कहना होता है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं और खुले मन से करते हैं, सर शहादत अली से क्या पूछना, शहादत अली से क्या पूछना, जब हथेली पर अपना सर ले लिया, कत्ल होने से कब तक करोगे साथियों, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, घर ले लिया। एकलव पांडे जी का कहना है साथियों, बहुत नहीं कुछ सुनना है, इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूँ चरवर का हिस्सा लेने वाले मोहम्मद नजीर अहमद जी हैं, जो मुसलमान हैं, वो इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा चरवर हिस्सा लिए हैं, कुछ नौजवान साथी हैं जो मुसलमान हैं, इस प्रोग्राम
हिस्सा लिए हैं वो दर्शाता है कि हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदू और मुस्लिम भाई हैं। इसका नजीर पेश करते हैं मुझे मोहम्मद नजीर अहमद मक्काने का कृपा करें। निवेदन के लिए स्वागत करते हैं क्योंकि हिंदू और मुस्लिम भाईचारगी का संदेश है उदयपुर प्रस्तुत करती है कि हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, हम भाई हैं, एक निवास करते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जिसमें से मैं जानता इस प्रोग्राम में 70% इनकी योगदान है, उनका होता है तो हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, तहदिल से शुक्रिया करता हूँ। साथियों अब अपनी बात को विराम करते हैं क्योंकि निन्ने मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम अब मैं अपनी बात को समाप्त करते हैं, बहुत कुछ नहीं कहूंगा कि निन्ने मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम है और हमारे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लालगंज सुरेंद्रराज इसी प्रिंसिपल का उन बच्चों का स्वागत कर दे सुरेंद्रराज जी।